आजकल के नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया, हर चीज में लेट। आपकी जल्दबाजी में अगर मैं गिर गया होता तो फिर क्या होता? भाई साहब, जब हम दोनों घर से भाग रहे हैं तो क्या प्लान करके भागेंगे? हाँ, बात करते हैं। घर से भाग कर आया हो, लेकिन क्यों? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है, इसलिए भाग लिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हमारा ये इकलौता है, इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा, आखिर यही तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हाँ, सही कहा। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? गलत कर रहे हो, इस तरह घर वालों को बिना बताए भाग रहे हो, गलत बात है। घर वालों को राजी भी तो कर सकते हो ना। आज जो तुम अपने माता पिता के साथ कर रहे हो ना, कल यही कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता है। hey, आपको इस तरह से लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आपके जमाने का प्यार अलग था, हमारे जमाने का प्यार अलग है, समझे आप? तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि हमने कभी प्यार किया ही नहीं। प्यार प्यार होता है किसी भी जमाने में हो, बस मनाने की काबिलियत होनी चाहिए। आप सो जाइए, मानसी तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। इन्हें समझाना अपने बस का नहीं। निकले और नहीं तो क्या, हम जब इश्क करते हैं तो टूट कर करते हैं बॉस, और देखने वाले रश करते हैं। अर्ज है, हमारा इश्क है एक बुलेट, हमारा इश्क है एक बुलेट, जिसके सहारे हम गाते हैं प्यार का डुएट। वाह 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 वाह, थैंक यू। बहुत गुड, लगता है इनके साथ बहुत डुएट गा चुके हो। एक मिनट आता हूँ। हाँ, जाइए जाइए। अरे जरा भी शर्म नहीं आई, एक बूढ़े से रोटी छीन रहा है, कुछ तो उम्र का लिहाज किया होता। अबे बूढ़े पैर कब्र में लटके कितना खाएगा, चल। हाय हाय हाय, असली माल तो यहाँ बैठा है बे, हम तो पीछे फालतू टाइम पास कर रहे थे। अरे छमिया से हेलत कर ले। नहीं भैया, नहीं, कहाँ कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है भाई, बहुत गलत है। ऊपर वाले को मुंह दिखाना है? अरे अपनी नहीं तो कम से कम गांधी जी की रख लो, थोड़ी सी इज्जत, उनको भी बहुत खुशी होगी भाई। अरे ये देखो, गांधी का पोता तो यहाँ है। अरे सारे कपड़े दिखाओ तो। अरे बस देखेंगे, दिखाओ तो। क्या खुशबू है, बहुत भीड़ है इसीलिए बस यही लिए जा रहे हैं, फिर आएंगे तुमको लेने। चलो वैसा, अबे लाओ हमको दो। अरे पहले तो रोटी ना खाने दी, चाय भी छीन ली बेशरम। भाग मत खा। अरे अरे, आपको चोट लग गई क्या दादू? ये लीजिए अपना कमचा और जाइए यहाँ से। नरक में जाएगा कुत्ता। भैया जी, वहाँ लड़की के साथ ऐसा व्यवहार, यहाँ दद्दू जी के साथ ऐसा व्यवहार, आखिर कौन सिखाया आपको? वैसे हम आपको एक बात बताएं, किसी लड़की को ऐसे छेड़ने के बदले आप अच्छी सी लड़की पटा लो और उससे शादी कर लो, लाइफ सेट। क्यों बे, हमारे शादी में बाजा बजाने का इरादा है क्या? ओह, लगता है किसी लड़की से मन भर गया है तो हमारे मत्थे मरना चाहते हो क्या?
छी छी छी, हम ऐसे नहीं है भैया, हम तो एक ही लड़की से प्यार करते हैं और बहुत जबर प्यार करते हैं, तन मन धन से प्यार करते हैं। अच्छा छोड़िए भैया, अभी आप उस लड़की से जो ब्रेसलेट छीने थे ना, हमें वापस दीजिए। मजाक कर रहे हैं बे? दे दीजिए ना। चल भाग चुपचाप। दे दीजिए ना, बोले ना, भागो चुपचाप। चल बे। मिलेंगे। गरमा गरम नाश्ता ले लीजिए, नाश्ता खा के मजा जाएगा। नहीं खाना है। भूख लगी होगी, खा ले यार। कहा ना नहीं खाना है। अरे मना किया ना। अरे ठीक है, नहीं खाना है तो क्या कर सकते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो आराम से नाश्ता करूंगा। क्यों भाई साहब, आप भी मेरे साथ खा लीजिए। खा लो बेटा, तुम्हें चाहने वाला तुम्हारे लिए इतने प्यार से नाश्ता लेकर आया है, नाश्ते पे नाराजगी क्यों? खा लो बेटा। नहीं चाहिए। थोड़ा सा तो खा लो। आप लोगों के दिमाग में बात नहीं जा रही है क्या? कितनी बार मना करूं? एक बार और पूछा ना तो मार डालूंगी। दिमाग तो लड़की का बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसी बातें तुम्हें रोज सुननी पड़ेंगी। मेरी वाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही थी, रोज मुझे उसकी सुननी पड़ती थी। लगता है मेरी किस्मत में सुनना ही लिखा है। लेकिन मेरी किस्मत तो बड़ी जोर में है। मैं तो गर्मा गर्म नाश्ता करने वाला हूँ, अपना पेट भरता बाहर बजा जाता। कैसे पटाया इसे? हमारी ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर, जिसकी शुरुआत ही बड़ी धमाकेदार हुई थी। अच्छा? उस दिन मैं एक डांस प्रोग्राम के लिए गया हुआ था। हाँ। गाना सुनाई दे रहा है ना? कौन सा गाना? ध्यान से सुनिए, तब सुनाई देगा। हाँ। कहानी स्टार्ट। काफी एंजॉय कर रहे हो तुम लोग, लगता है मैंने काफी कुछ मिस कर दिया। कौन थी वो पटाखा? अरे पटाखा नहीं, बॉम्ब थी यार, वो देख वो वहां जा रही है। मिस कर दिया यार। कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। अच्छा Thank you.
तो जान हाजिर है यार। अबे एक पैग रम के लिए तू जान देने चला है? अबे रम की बात नहीं, अपने रंभा की बात कर रहा हूँ। उस दिन जिस लड़की को मैं उस डांस प्रोग्राम में नहीं देख पाया था ना, कल मैंने उसे मंदिर में देखा यार। क्या खूबसूरती है, क्या सादगी है। उसे पहली नजर में देखते ही तय कर लिया कि दिल उसी को दूंगा। वाह ये तो गया काम से। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, रेगिस्तान में हरियाली का नजारा होता है, वैसे ही मेरा बेचैन दिल उसकी एक झलक के लिए तरसता है। ये तो गया यार, भाई साहब प्यार में शहर भी बन गए। उसकी जुल्फों का वो लहराना, हल्की हल्की आहट से अपनी पायल को छनकाना, उसका वो खूबसूरत अंदाज, दिए की तरह रोशन उसकी मुस्कान, जैसे कोई देवी हो। 440 वोल्ट का झटका लग गया यार। अल्लाह, सुन मेरे भाई, उस मंदिर की देवी के बारे में भूल जा, यहाँ देख एक देवी जाम के दिए जला रही है। कल मंदिर में मैंने जिस लड़की को देखा ये वही है भाई। भाई तेरी मंदिर की देवी तो यहाँ कुछ और ही गुल खिला रही है, देख जरा। दोस्त अपनी तो घर वाली और बाहर वाली का कॉम्बिनेशन है। ओ, 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 अब तो बेटा तू गया काम से, तुझे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद तो हम इतना हंसे कि मैं बता नहीं सकती। कल तो आप मंदिर में बड़े दिए जला रही थी, लेकिन यहाँ पर आप मेरा दिल जला रही हैं। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हेलो, हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती, वैसे आंखों से देखी हुई हर चीज सच नहीं होती, समझ में आया? एंड बाय द वे, ये ग्लास मैं अपने लिए नहीं, किसी और के लिए रेडी कर रही हूँ। किसी और के लिए? कौन है वो खुशकिस्मत? नाम है मेरा झनकार, हूँ मैं एक शानदार फनकार। अब फनकार होने के नाते पीना तो बनता है ना, लेकिन सोनी कुड़ियों के आगे पीना अच्छी बात नहीं है। मैं जरा कोना खोपचा पकड़ता हूँ तुम लगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम, मैं पीऊँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लड़कियाँ नहीं पी सकती क्या? लड़कियाँ लड़कों के बराबर हैं, उनके टक्कर की हैं बिल्कुल। माना आजकल लड़कियाँ पीती हैं, इट्स ओके, पर अगर तुम पियोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और वो क्यों? अब क्या बताऊँ, तुमसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा मैं। अब तो तुम सिर्फ हमारी और हम सिर्फ तुम्हारे। यार अपना तो नेचर ही ऐसा है कि एक बार किसी को दिल दे दिया तो बात खत्म, उसके बाद तो मरते दम तक निभाते हैं। और नहीं तो क्या, हम तुम लड़कियों जैसे थोड़ी हैं कि एक पल में ये दूसरे पल में वो, हम पार्टी नहीं बदलते। देखो मेरी इस बात को मजाक में मत लेना, सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे दिलो जान से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अरे रोमियो बकवास बंद, मेरा सिर्फ नाम ही झनकार नहीं है, मैं बजा भी सकता हूँ गिटार, सितार और तेरी जिंदगी का तबला भी। अगर तूने इसकी तरफ एक आंख भी उठाकर देखी ना तो मैं तेरे सारे तार हिला दूंगा। चलो अरे एग्जिट की जगह ये खंबा किसने लगा दिया, सारी पीवी उतार दी।